पढ़ेंगे, वो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो मित्रों, जो इस वर्ष जो ये 6 ग्रहों का योग हो रहा है वो आपका मकर राशि में हो रहा है। आपका 12 फरवरी 2021 को ये आपको योग दिखाई देगा और ये श्रवण नक्षत्र में होना है। श्रवण नक्षत्र जो है वो चंद्रमा का नक्षत्र है, और वैसे भी मकर राशि में पहले से जो है वो शनि और गुरु विराजमान है, और शनि और गुरु की कंजंक्शन की वजह से, जैसे मैंने आपको कहा था कि जो एडवाइजर्स होंगे गवर्नमेंट के, वो गवर्नमेंट को गलत सलाह दे सकते हैं, गलत एडवाइसेस दे सकते हैं, क्योंकि इस समय गुरु जो है वो अपनी नीच राशि में है और वो गलत एडवाइसेस दे सकता है। एक क्लासिकल टेक्स्ट है आपका बृहद संहिता, जिसको जिस जिसको वराह मिहिरा ने लिखा है। वराह मिहिरा ने कहा था कि जब भी आपका श्रवण नक्षत्र में शनि का संचार होगा, तो उस समय जो है वो आपके दे विल बी एनिमिटी बिटवीन द किंग्स, राजाओं के बीच में शत्रुता बढ़ेगी, और सिटीज और शहरों में जो है वो किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी, डिस्टरबेंसेस आपको वहाँ पे मिले देखने को मिलेगी। और खास करके उन्होंने कहा था कि कोई बड़ा बिजनेसमैन जो होगा उसको बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। उसके साथ साथ ही डॉक्टर्स और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को भी इस समय कष्ट का समय है। और साथ में अगर उन्होंने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि जो हमारा कलिंग रीजन है, कलिंग रीजन जो आज का प्रेजेंट डे में उड़ीसा है, वहाँ पर जो है वो ट्रबल देखी जा सकती है, वहाँ कुछ ट्रबल का सिम्टम्स वहाँ नजर आएंगे। तो वैसे भी अभी कोविड क्राइसिस की वजह से मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को और जो आपका पैरामेडिकल स्टाफ है, वैसे भी वो संकट के दौर से गुजर रहे हैं, जो जैसे ही, लेकिन ये जैसे ही सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस आएगी तो उसमें उनको और ज़्यादा थोड़ी सी दिक्कतें झेलने का थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ ये कोई आपका कोई मेडिकल स्कैम भी हो सकता है, कोई बड़ा मेडिकल कोई बड़ा हॉस्पिटल जो है वो कोई स्कैम में उभर के आ सकता है। और उसी तरह से जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन है, इसमें भी कुछ गड़बड़ी होने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि ये प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन जो है वो ठीक नहीं है। श्रवण नक्षत्र में 6 ग्रहों का प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो ये बहुत दिक्कतें करने वाला है। और जब भी सेकंड का मैंने आपको बताया कि ट्रांजिट जो है वो श्रवण नक्षत्र में होगा, तो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए ये एक बहुत टायरिंग वाला टाइम है। उससे पहले आपने देखा कि जब भी जैसे ही जब आपका ये गुरु और केतु आपके धनु राशि में संचार कर रहे थे, तो उस समय जो था ये आपका सूक्ष्म जीव, क्योंकि केतु जो है वो सूक्ष्म जीव को रिप्रेजेंट करता है, पैरासाइट कृमि है ये, कृमि मीन्स कीड़े, तो उस समय इस तरह का ये आपका वायरस का जन्म हुआ। और वराह ने कहा भी है कि जब भी गुरु नोड से, मतलब कि राहु और केतु के पास से क्रॉस करेगा, तो बहुत लोगों की जान जाएगी, मतलब दे विल बी लॉस ऑफ लाइफ ऑफ इन लार्ज स्केल, बहुत लार्ज स्केल में जो है वो लोगों की जान जाएगी। और इस वायरस के साथ साथ जो है उन्होंने कहा था कि पैरासाइट्स और लोकस्ट का अटैक भी हो सकता है। तो आपने इस दौरान देखा भी था कि एक टिड्डी दल ने जो है वो अटैक किया था। तो अभी थोड़ी सी राहत की बात यह है कि जैसे ही आपका आफ्टर द एंड ऑफ दिस आफ्टर द मिड ऑफ 2021 जो जो आपका गुरु है वो कुंभ राशि में संचार करेगा और केतु से काफी डिग्री वाइज दूर हो जाएगा, तो उसके बाद से ये सिचुएशंस कंट्रोल होती हुई नजर आएगी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये टायरिंग सा समय है, जिसकी वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी को भी काफी ज्यादा सफर करना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड वहां हो नहीं रही है, तो रिसेशन उससे ज्यादा से बढ़ेगा, तो वर्ल्ड इकोनॉमी को ये नुकसान का समय दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुरु वैसे भी नीच राशि में संचार कर रहा है, तो आपका ये गुरु फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो वहां पर ये दिक्कत का समय आने वाला है। गवर्नमेंट के लिए ये है कि वो कोई सेल्फिश इंटरेस्ट वाले पॉलिटिशियन, आपके एडवाइजर्स हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, या कोई ऐसे बिजनेसमैन है जिनकी क्रोनी कैपिटलिज्म की हम बात करते हैं, तो उनकी एडवाइस ना माने और एक जेन्युइन एडवाइस को फॉलो करें, क्योंकि इस समय जो है उनको एडवाइसेस भी गलत मिलने वाली है। अब एक इम्पॉर्टेंट इवेंट और होने वाला है, वो इवेंट ये है कि जो राहु है वो अपना नक्षत्र चेंज करेगा। राहु जाकर के आपका रोहिणी नक्षत्र में आने वाला है। और उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो ये आपका योग बन रहा है, षड ग्रह जो योग है आपका मकर राशि में, मकर राशि जो है आपका अर्धी साइन है और वाटरी साइन है, और ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ ग्लोब को रिप्रेजेंट करता है।
तो इंडिया के हिसाब से अगर हम इसको देखते हैं तो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न साइड में जो हो गया राजस्थान हो गया का एरिया हो गया, और उसके बाद हमारा हिंदू कुश का रीजन हो गया, और उधर पाकिस्तान हो गया, और ईस्टर्न साइड ऑफ ईरान हो गया। तो ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया जो ऊपर का एरिया है, यहाँ पर जो है वो अर्थक्वेक की संभावना होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये उस टेक्स्ट में भी लिखा है कि जब इस तरह की प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन उस साइड में बनेगी तो धरती की जो प्लेट्स हैं वो आपकी टेक्टोनिक फोर्सेस और जो आपने उसमें होता है वो प्लेट्स आपस में टकराएंगी, और उस रीजन पर क्या है कि अर्थक्वेक्स होने का संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि राहु का ट्रांजिट जो है वो रोहिणी नक्षत्र में होने वाला है। रोहिणी नक्षत्र जो है वो चंद्रमा का नक्षत्र है, और अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम इसकी बात करते हैं तो इंडिया की जो अभी इस समय चंद्रमा की महादशा चल रही है और अंतरदशा शनि है जो कि आपका 9th हाउस का लॉर्ड है। 9th हाउस हमारे धर्म को, लंबी यात्राओं को, हमारे पिता को, और हमारे जो हमारे पूर्व जन्मों को, पूर्व जन्म के फलों को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी क्या होने वाला है कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि जैसे ही 2015 में इंडिया की चंद्रमा की महादशा आई तो उस समय बीजेपी ने जो अपना हार्ड लाइन कल्चरल नेशनलिज्म का जो स्लोगन लेकर के वो पॉलिटिकल अरिना में आई और वो इलेक्शन जीते हैं, और अभी जो ये योग बन रहा है 6 ग्रहों का वो यहाँ जाकर के बन रहा है। तो अभी राहु की जैसे ही आपका रोहिणी नक्षत्र में आएगा तो ये जब भी इस नक्षत्र में प्रवेश करता है तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये कॉम्युनल वायलेंस और सेक्टेरियन क्लैशेस को रिप्रेजेंट करता है, तो उस दौरान जो है वो कॉम्युनल क्लैश होते हैं। तो अभी ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो कोई ऐसा लेजिस्लेचर पास करे जो कि कल्चरल, हिस्टोरिकल और रिलीजियस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करने की बात करें, जैसे कि आपको कॉमन सिविल कोड को हो सकता है कि ये लोग इम्प्लीमेंट करें, और साथ ही साथ अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ में चेंजेस ला सकते हैं। तो ये उसकी वजह से क्या होने वाला है कि एक कॉम्युनल क्लैशेस की संभावना होती हुई नजर आ रही है कि राहु जब भी आपका रोहिणी नक्षत्र में संचार करता है तो इस तरह से ये एक चीज देखने को उसमें नजर आती है। तो ये बहुत ही संभल के चलने का समय है, और जैसे कि मैंने आपको कहा कि डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ का इसमें का समय जो है वो काफी परेशानी वाला रहने वाला है। कोई बड़ा बिजनेसमैन उसको लॉस हो सकता है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जो है वो कोई भूकंप का या तूफान की अर्थक्वेक्स की संभावना वहां दिखाई दे रही है, और नेक्स्ट उसमें जो है वो सेक्टेरियन वायलेंसेस का योग होता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे ही ये आपका गुरु केतु के नोड से थोड़ा दूर चला जाएगा, जैसे कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो उसके बाद से जो है वो आपका ये इसमें हमारे को राहत मिल सकती है। लेकिन उससे पहले जो अभी आपको ये लोकस्ट हो गए और आपका पैरेट साइट्स हो गए, उससे अभी कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो ये जो टॉपिक था ये एक मुंडन एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक था, लेकिन इसके सीखने की बहुत सारी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।